अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। आज आपकी मुलाकात जिनसे मैं करवाने जा रही हूँ, अ मैन हु हैज बीन नोन फॉर हिज गुड टेस्ट, लेकिन बड़े अरसे से मीडिया की नज़र से गायब थे। टीवी शोज पे नहीं नज़र आए, सियासत से भी थोड़े खिंचे खिंचे या दूर दूर थे। जो ये सवाल है, आज वो इस शो में इसका जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन आज इस वीकेंड पे हम उनके साथ मौजूद हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हुमायूं अख्तर खान। तो खान साहब, अब जब खान साहब कहती हूँ तो अजीब सा लगता है, एक प्राइम मिनिस्टर हैं और एक हुमायूं अख्तर खान। हाउ डज हुमायूं अख्तर खान फील नाउ 2018 के इलेक्शंस के बाद? देखिए ना, मैंने पॉलिटिक्स शुरू की लाहौर में और पहली दफ़ा 1990 में कंटेस्ट किया। तब ये शहर PMLN का शहर नहीं हुआ करता था, ये पीपल पार्टी का शहर होता था। मैंने 92 शाहदरा से शुरू होता था और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तक आता था, और मैंने शेख मरूम शेख रफीक को हराया सेक्रेटरी जनरल पीपल पार्टी के। इससे पहले मुस्लिम लीग नून लीग जीती थी। 1993 में नवाज शरीफ ने वो हल्का मेरे से अपने ले लिया, पर खुद कंटेस्ट किया, और मुझे पुराने NA 93 जो रावी से शुरू हो के फिरोजपुर रोड तक आता था वो उधर भेजा, एक महीना दिया, और एतजाज आसन मेरे खिलाफ थे पीपल पार्टी के। राइट, तो अल्लाह ने मेहरबानी की, वो मैं जीत गया। लेकिन इस सारी चीज़ की इफ्स मुझे मिला ही है कि 1997 में नवाज शरीफ पहले तो मुझे टिकट ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैंने इतने इतने बड़े हलके जीते लाहौर में, और फिर उन्होंने जिसको मैं कहता था जला वतनी में भेज दिया रहीम यार खान, मैं उधर भी जीता। इसलिए जब 2001 में मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन छोड़ के बाहर चले गए, तो कुछ लोगों ने इकट्ठे होके की लोगों ने काफ लीग बनाई, और काफ लीग फिर 2002 का इलेक्शन जीती और मैं लाहौर से जीता, और मैंने पीपल पार्टी और PMLN कंबाइंड को हराया, और हमने 5 साल हुकूमत की। जब काफ लीग टूटी तो एक धड़ा चौधरी शुजात वाला तो चला गया पीपल पार्टी के साथ, हमारा धड़ा आमिर नासिर चट्ठा, खुर्शी कसूरी, मरूम लारा निसार, सैफुल्ला बरादरान, रबाब गुलाम रहीम, ये धड़ा इसने जाके एक अलायंस बनाया, ज्वाइन नहीं की PMLN, हम काफ़ी थे, हमने एक अलायंस बनाया रिटर्न 2012 में नवाज शरीफ के साथ। बहरहाल 2013 में उस अलायंस के साथ जो हशर हुआ वो सबको मालूम है, वो सब तितर बितर हो गया, नवाज शरीफ साहब ने उसको ऑनर नहीं किया। तो मैं काफ में था, तो हुआ मेरे साथ ये कि मेरे पास 10 साल के लिए जो मेरा हल्का जो मैंने जीता था नवा पीपल पार्टी से एतजाज आसन से, वो फिर साद रफीक के हाथे चढ़ गया। और तो मेरे ख्याल 2018 की जो सियासत, मुझे इमरान खान साहब ने NA 124 ऑफर किया जनरल इलेक्शन में, लेकिन मैं अपना हल्का चेंज नहीं करना चाहता था, और मैंने ये प्रेफर किया कि मैं इमरान खान के लिए 131 में उनके लिए कैंपेन करूं, और उनको कामयाबी हुई। लेकिन फिर बाय इलेक्शन में उन्होंने मुझे टिकट दिया, जो हम चंद हज़ार वोट से टैक्टिक्स कुछ बदल गए थे। मैं मादरत के साथ मैं इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन चोर हर जगह चोर रहता है। इधर मेरी नज़र में आखिरी चंद दिनों में जो हुआ और जो हरबे इस्तेमाल किए गए, ना तो मुझे उनका इलम था, ना मैं उनके लिए तैयार था, और आखिरी 3 दिनों में ये इलेक्शन, आई कॉल इट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी, लॉट ऑफ मनी वॉज थ्रोन एंड वोट्स फॉर बॉट। बट हैविंग सेड ऑल दिस, मेरी कामयाबी 2018 की जो आपने इनिशियल सवाल किया था जी, आई गॉट माई कॉन्स्टिट्यूएंसी बैक, आई एम नाउ ए टिकट होल्डर ऑफ ए मेजर पार्टी इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो मुझे अपना हल्का वापस मिल गया, और मैं 6 महीने से दिन रात एक्टिव हूँ उस हल्के में, क्योंकि हुकूमत हमारी है तो हमारे तरीक़ाकार बिल्कुल ऐसा है जैसे MNA का होता है। हम रब्ता रखे हुए हैं, खुशी गमी में जा रहे हैं, डेवलपमेंट स्कीम शुरू कर रहे हैं, आवाम की फैसिलिटेशन कर रहे हैं। तो क्योंकि साद रफीक साहब तो जेल में हैं और उनकी पार्टी पावर में नहीं है, हालांकि वो MNA हैं, लेकिन काम सारा MNA वाला PTI और मैं और मेरे साथी का। आपने कहा पैसा फेंकने की बात, कि पैसा फेंकने की तो रिवायत सियासत में कब से है और इसे सब आ गए? देखिए, मैंने कहा कुछ नौयत बदल गई है, और मैं तफसील में नहीं जाना चाहता
साद रफीक की क्लेम टू फेम था कि वो प्रिजाइडिंग अफसर्स पे ऑपरेट किया करते थे, इवन वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक पहुंच जाया करते थे। ये इनका तरीका था जो उन्होंने 2013 में किया, और जिसकी वजह से चार में से जो एक हलका था जिस पे इमरान खान ने धरना दिया 126 दिन का, वो इनका साद रफीक का हलका था। इनकी टैक्टिक ये जो थी, मुझे नहीं पता था कि इस एक्सटेंट तक जाएगी कि वो करोड़ा फेंकेंगे और 15,000 वोट लेके भाग जाएंगे, जो कि मेरे साथ हुआ, एंड दैट वाज अ बिट ऑफ अ शॉकर फॉर मी। राइट, एक और शॉक ये आया था कि जब आपने पीटीआई को ज्वाइन किया, तो जब आपने हाथ मिलाया पीटीआई के साथ, लोग शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप पीटीआई में चले जाएंगे, एंड यू डिड दैट। ये फैसला कैसे किया? मैंने आपको प्रोग्राम के इब्तिदा में बताया, एक पूरी क्विक समरी दी अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री की, कि मैंने 2001 में नून छोड़ी, हमने काफ बनाई। बिल्कुल। और फिर जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई तो एक धड़ा पीपल पार्टी के पास गया, एक धड़ा जो मैंने नाम भी लिए थे, जो मेन लोग थे, वो PMLN के साथ उसने अलायंस बनाया। लेकिन हमारे साथ बहुत बुरी हुई 2013 के इलेक्शन में, बिकॉज उस अलायंस की एक शिक पे भी उस मायदे की अमल नहीं किया गया। तो मैं 5 साल खामोश था, मैं PMLN का हिस्सा नहीं था। मैंने बतौर एक अलायंस पार्टनर एक बार फिर, अब साद रफीक साहब वो मेरे जो मेरे पार्टी में टिकट मैंने अप्लाई किया नून में, वो पेपर्स लिए फिरते थे, लेकिन वो पेज नंबर 2 पे नहीं जाते थे, कि मैंने बतौर PMLN अप्लाई नहीं किया था। मैंने किया था जी, मेरा PMLQ का आपसे मुआहदा था 2012 का, उस मुआहदे के तहत मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर्मेलिटी थी, वो फॉर्मेलिटी मैंने पूरी की, लेकिन मेरी इंटरेस्ट PTI में था। मैं नहीं समझता था कि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में मुझे मेरा कोई फ्यूचर है इस पार्टी के साथ, और मैं ज़ाती तौर पर समझता था कि इमरान खान एक उम्मीद की नई किरण है और मेरे पास एक सियासी अपॉर्चुनिटी है कि मैं उनको अब ज्वाइन करूं और अपनी बकाया जितनी भी मेरी सियासत रह गई है वो मैं PTI के प्लेटफॉर्म में इमरान खान की लीडरशिप में वो सियासत। नहीं तो क्या ये कहना ठीक होगा, मुनासिब होगा कि आप नाराज़गी की वजूहात की बुनियाद पे आपने PTI को ज्वाइन किया? देखिए, टाइम होता है ना जी ज्वाइनिंग, और वो इलेक्शन एक टाइम होता है एक मेजर फैसले करने का, क्योंकि मेरे साथ 2013 में एक डिबैकल हुआ था, जो अलायंस था मेरा PMLN के साथ, तो ऑब्वियसली मेरी नाराजगी तो थी उनसे और है अभी। मैं तो पार्टी छोड़ गया हूँ जी, मैं तो मेरा तो PMLN कोई रब्ता, मेरा कोई रब्ता मियां साहब से पहले, यानी जेल टाइम से पहले कोई बातचीत हुई हो आपने? मेरी कोई, मेरी तो मियां नवाज शरीफ साहब से जब उनका इक्तदार रहा उसके दौरान बिल्कुल एक दफा बात भी नहीं हुई। उन्होंने नहीं कोशिश की कि आपसे रब्ता करें, नाराजगी तो उसे दूर करें? उन्होंने इनडायरेक्ट सा रब्ता रखा, मेरे से डायरेक्ट उनका कोई रब्ता नहीं था। राइट, सो यू आर प्रीटी कंटेंट एंड हैप्पी with PTI? Absolutely. You are. Well, isi note pe ek break lenge and we'll be seeing you shortly. आपको देखते आए इन योर बेस्ट अटायर, इन योर बेस्ट फॉर्म, लेकिन आजकल आप कुछ PTI के रंग में ढले हुए लग रहे हैं, अपने कह लीजिए जो लिबास है जो पहना हुआ है। नहीं, PTI में तो हर तरह का रंग है जी। Well, I see more PTI now. जी देखेंगे आप, दूसरे रंग भी देखेंगे। शौकत अजीज साहब के साथ आपने काम किया, एक बड़ी कह लीजिए आपकी ड्रीम टीम थी,
नाउ डू यू थिंक, आपको लगता है पीटीआई की भी हुकूमत जो फॉर्म होगी, बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है उनकी टीम पे, डू यू थिंक दिस इज द ड्रीम टीम दैट यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू? आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू फेसेस. एक अच्छी बात पीटीआई की ये है कि नौजवान तबका, पढ़ा लिखा तबका भी पार्टी में आया है, पाकिस्तान की सियासत में पहली मरतबा. और आपने देखा कराची से और बाकी मुल्क के हिस्सों से, के पी के से बहुत से नौजवान इलेक्ट हुए हैं और उनको बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ सौंपी गई हैं. दैट्स ए गुड चेंज. उसमें से कई स्टार्स उभरेंगे, कई स्टार्स वेरी डेफिनेटली निकलेंगे. तो आई एम होपिंग दैट इवेंचुअली दिस टू विल बिकम ए ड्रीम टीम. विल, आपको लगता नहीं कि अभी है फिलहाल? Well, I measure my words carefully, so I said well. Well, I can see that you are. Well, Buzdar साहब के बारे में क्या समझते हैं? I think मेरे जाती ख्याल ये कि Buzdar साहब को बहुत ब्रंट लेना पड़ा है. Unfortunately, वो एक सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं. उनके वालिद कई दफ़ा इलेक्ट हुए थे पंजाब असेंबली में. ये अपनी ज़िले में इलेक्ट हुए हैं कई दफ़ा. और एक सोच प्राइम मिनिस्टर की कि हम अंडर प्रिविलेज जो हिस्सा है पंजाब का, साउथ पंजाब, उसमें से एक वज़ीर आला लाएँ. ब्यूरोक्रेटिक टीम बड़ी अच्छी उन्होंने अपॉइंट की है. काबीना जो है वो बहुत एक्सपीरियंसड है. अब मैं कई नाम ले सकता हूँ जो बहुत एक्सपीरियंसड हैंड्स हैं पंजाब की काबीना में. मैं समझता हूँ कि हमें मौका देना चाहिए. देखें, इनका मसला यह है कि पीएमएलएन के पास एक चीज़ है कि जी शहबाज शरीफ, ओ देखें ना शहबाज शरीफ, पता नहीं कितने साल बाद शहबाज शरीफ देखें, जैसे भी थे, लेकिन इस वक्त तो काफ़ी मसाइल का भी सामना है शहबाज शरीफ साहब को. दूसरा ये कि इस वक्त जो आपको 5 महीने हंगामा आराई नज़र आई है, उसकी बुनियाद मैं समझता हूँ कि पीटीआई है ही नहीं. इसकी बुनियाद कुछ केसेस थे दोनों बड़ी पार्टियों की लीडरशिप पे जो हमारे दौर से पहले के केसेस हैं. नैब के चेयरमैन उनके अपॉइंट करदा हैं, हम उनको हटा भी नहीं सकते. नैब वो केसेस प्रसू करी, केसेस वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सो मोटो एक्शन से शुरू हुए हुए हैं. और उन केसेस पे जो जुडिशल प्रोसेस और प्रोसिक्यूशन प्रोसेस चल रहा है उसके नतीजे पे अटैक, मैं समझता हूँ कि दिस इज द पोलिटिसाइजेशन ऑफ ए जुडिशल प्रोसेस. अदरवाइज जी मैंने बहुत से दौर देखे हैं. Right. कोई एक वर्कर, कोई एक MNA, MPA पूरे पाकिस्तान में, जिधर हमारी हुकूमतें भी हैं सूबों में या FIA हमारे, कोई एक हैरेसमेंट का केस, पॉलिटिकल हैरेसमेंट का आपको नज़र आ रहा? नहीं आ रहा. इशू बना हुआ है कि दो बड़े लीडर जो हैं उसको पोलिटिसाइज करके जुडिशल प्रोसेस को और अटैक किया जा रहा है. और उसी के नतीजे में मैं समझता हूँ कि Buzdar साहब पे अटैक किया जाता है. और एक शहबाज शरीफ का, जैसे मैंने कहा कि उनसे कंपेयर करके, मैं समझता हूं कि Buzdar साहब को मौका देना चाहिए. और चले, मौका दिया, लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच. वेल, अब आपकी मसरूफियात बढ़ गई हैं. ऑफ कोर्स आप हलके को भी देख रहे हैं, आप बता रहे हैं आगे पीछे मीटिंग्स, हलके को देखना, लोगों से मिलना. लाइफ हैज चेंज्ड अ लॉट फॉर यू इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, इज दैट राइट? लेकिन मीडिया की नज़र से आप गायब थे बड़े अरसे से. इतना फासला क्यों रखा था आपने? ये क्या ये फैसला किया क्यों गया आखिरकार? मैं है ना मीडिया की नज़र से इसलिए गायब था कि मेरे पास जब आदमी मीडिया में आता, नाउ आई एम इन द मीडिया फॉर द लास्ट 6 मंथ्स ऑन द पीटीआई प्लेटफॉर्म, आई हैव जॉइन द पार्टी. मैं उनका एक मेजर फाइट में कैंडिडेट रहा और मैंने एक फाइट लड़ी और बड़ा थोड़ा फ़र्क रह गया. हमने बाय इलेक्शन में बहुत वोट लिए और बड़ा मुकाबला किया. अब मेरे पास प्लेटफॉर्म है, पहले मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था. मैं जल्दबाजी करना नहीं चाहता था. और जब सियासत में हर चीज का टाइम होता है, जब टाइम आया और मैंने एक पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद मैं मीडिया में फिर आई हैड अ प्लेटफॉर्म. वेल, यू हैव क्रिएटेड अ ब्रांड आउट ऑफ योर नेम आल्सो इन पॉलिटिक्स. मैं यहाँ पे कारोबार की बात नहीं कर रही. माशाल्लाह आप एक कामयाब कह लीजिए, कारोबार नहीं, बहुत कारोबार आपके चल रहे हैं. लेकिन सियासत में भी हुमायूं अख्तर खान एक ब्रांड बन गए. यू डिड नॉट नीड अ प्लेटफॉर्म, सो व्हाई डिड यू वेट फॉर अ प्लेटफॉर्म? आई थिंक नाउ दैट यू आर प्रोबिंग माय माइंड, आई थिंक इन हाइंडसाइट
आई शुड हैव बीन समवट एक्टिव इन सम कैपेसिटी. मैं थोड़ा एक्टिव रहा हूँ. मैंने एक थिंक टैंक बना लिया था. जी बिल्कुल. और उस थिंक टैंक के जरिए मैंने बहुत इकोनॉमिक पॉलिसी पे, फॉरेन पॉलिसी पे, एनर्जी पॉलिसी, हर किस्म की बहुत हमने रिपोर्ट्स निकाली. और वो एक बेसिकली मेरा एक मेरा इंटरेस्ट भी उसमें बहुत, मैं उसमें बहुत मसरूफ रहा. लेकिन मैं जब हल्के में भी एक्टिव नहीं था, इसलिए कि हल्के में जब आदमी एक्टिव होता है या मीडिया में एक्टिव होता है तो क्लैरिटी होनी चाहिए, वेगनेस नहीं होनी चाहिए. मतलब मीडिया में मैं आता था और कि मुझे बताइए आप नून में हैं, पीटीआई में हैं, किस पार्टी में हैं, क्यों नहीं हैं. हुमायूं अख्तर खान से बात होती वहाँ पे, नून लीग या पीटीआई से बात नहीं होती. यू कैरी अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. आप अपना एक्सपीरियंस अपने आगे कह लीजिए कि जो आपका तजर्बा हुआ था जिंदगी में, आप शायद आगे अच्छी तजवीज दे सकते हैं. मुझे तजिया कार के तौर पे कोशिश करनी चाहिए थी. वन ऑफ दिस शोज. वेल यू वुड हैव सक्सीडेड. सो जिंदगी दोबारा आपकी मसरूफ होगी, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा एक अच्छी जिंदगी गुजर रही है, एक अच्छी कह लीजिए बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आगे एक मसरूफ जिंदगी है, कारोबार अच्छा चल रहा है, सियासत का इसी तरह आपने पीछे साथ साथ उसके साथ चलते रहना है पूरी जिंदगी, इज दैट द प्लान? मेरी 30 साल की टाइम लगा हुआ है जी इस फील्ड में, मैं उसको ज़ाया तो नहीं होने दूँगा. और मुझे मेरी कोशिश भी है कि देखिए जी, इस मुल्क में अगर किसी ने तब्दीली लानी है ना, तो हमारी आपकी तरह के लोगों ने लानी है ना. हमारी एक माइंड सेट होती है कि आप सोचेंगे जी मुल्क में यही होना चाहिए लेकिन कोई और करेगा. अब हमें ये भी सुनना चाहिए कि मुल्क में यही होना चाहिए, हम देखिए जिस भी कैपेसिटी में हम क्या कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए. उस जज्बे के तहत मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इस फील्ड को छोड़ूं. राइट. सो खान साहब, लेगेसी हर किसी का कह लीजिए ख्वाहिश होती है कि उसकी लेगेसी कोई आगे लेकर जाए. आपकी लेगेसी क्या आपको लगता है कि आपके बेटे ने आगे लेके जानी है, जब सियासत की लेगेसी की बात होती है? पहले मैं अपना टाइम तो पूरा करूंगे, फिर बेटे की फिक्र करेंगे. इज ही इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स? सम ऑफ द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली आर इंटरेस्टेड, बट हमने उनको अभी तक शामिल नहीं किया. जिस तरह देखते हैं आपके सियासत में आके फिर वो और किसी जोगे नहीं रहते. वेल तो बच्चों को क्या आप खास कारोबार के लिए ट्रेन करें, या फिर कह लीजिए कुछ ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है उनकी सियासत में आने के लिए? बच्चों की अपनी मर्जी है जी. हमारे आपको पता है जी कि ये जो घर है, हम चार भाई हैं, हम सारे इधर ही रहते हैं अपनी वालदा के साथ, तो सारे बच्चे इधर ही ग्रो हुए. डिपेंड, कोई अमेरिका में ऑयल ट्रेडर है, कोई अमेरिका में वेंचर कैपिटलिस्ट है, कोई प्राइवेट इक्विटी बैंकर है, कोई लॉयर है, कोई कुछ बच्चे पाकिस्तान में आ गए हैं, कुछ बच्चे दुबई में अपने काम काज कर रहे हैं. सो इट्स अ मिक्सचर. सो इट इज़ राइट नाउ बच्चों को अपनी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ग्राइंडर से गुजारा जाता है, और फिर उन्होंने अपने अपने करियर्स को तय करने होते हैं. जो कुछ बच्चे इधर आके काम करने में भी इंटरेस्टेड हैं. जी जी जी. और आपका दिल है कि वो वापस पाकिस्तान आए, इधर ही सेटल हो? आ गए हैं जी कुछ. वी आर ओपन. आई थिंक दिस इज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी नाउ. वो पाकिस्तान पे मुनसर है कि पाकिस्तान अपनी यंग टैलेंट अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता. पाकिस्तान मौके देगा तो टैलेंट वापस आएगी ना जी. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद आवर कंट्री ऑफ कैपेसिटीज इन एवरी एरिया.
बिकॉज हमारी जो बेस्ट कैपेसिटीज़ हैं वो मुल्क से बाहर हैं, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान का एक चैलेंज ये होगा कि उन ब्राइट लोगों को, लड़के और लड़कियां, इस मुल्क में वापस लाया जाए, बट उसके लिए हमें मौके पैदा करने हैं उनके लिए। राइट वेल, जब आपकी बात होती है तो कहा जाता है कि बहुत सारा तजर्बा, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इकॉनमी, मईशत, ये तमाम चीज़ों की समझ बूझ अच्छी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री का भी ओहदा संभाल चुके हैं आप, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी आपका नाम आया 2002 में, चार में माफ कीजिएगा, आगे ऐसा दो में भी आया लेकिन चार में वाज़ सीरियस। राइट, आगे ऐसा कोई एम्बिशन आपका कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं? मेरा बिल्कुल एम्बिशन नहीं है जी, ऑनेस्ट टू गॉड, ना मेरा एम्बिशन है कि मैं कोई वजीर बन जाऊं। मैं दो दफा वजीर रह चुका हूं जी, मैं जरदारी साहब के बाद आई वाज द इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 1997 में, और इसहाक डार साहब के बाद आई वाज द कॉमर्स मिनिस्टर, बल्कि इसहाक डार के बाद रजाक दाऊद आए थे मुशर्रफ के एरा में, उसके बाद मैं बना। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ फ्यू थिंग्स। इस मुल्क की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आज है वो 1997 में मैंने बनाई थी, आज तक वही इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसके बाद कभी भी नहीं आई, किसी ने छेड़ा ही नहीं उसे। इस मुल्क में 8 बिलियन डॉलर पे आपकी एक्सपोर्ट्स अटकी हुई थी जब मैं आया, तो मैं उन एक्सपोर्ट्स को 20 बिलियन डॉलर पे लेके गया 5 साल के अंदर अंदर, आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, अभी भी वो 20-21-22 पे ही हवर कर रही हैं, आज तक उधर ही है। ओके, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। मेरा किसी किस्म का कोई वाइल्ड एम्बिशन नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मेरा सियासत में इंटरेस्ट है, मेरा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंटरेस्ट है, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा मुल्क जो है वो मेरी जो भी थोड़ी बहुत सलाहियत है उसको इस्तेमाल करना चाहता है उसके लिए मैं हाजिर हूँ। मैं बगैर किसी ओहदे के भी प्राइम मिनिस्टर से राबता रखता और उनसे मशवरे में रहता हूँ, ही इज़ वेरी काइंड, ही लिसन्स टू मी, लेकिन मेरा कोई ब्लाइंड एम्बिशन नहीं है। एंड सर्टनली मेरा, आप यकीन कीजिए, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, बहुत ज़्यादा खबर फैली हुई थी कि 2004 में मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, लोगों ने टिकट बुक करा लिए थे कि आज ओस टेकिंग है कल है, तो फाइनली मुझे पता चला 2 घंटे पहले कि नहीं जी, इट्स गॉन। तो आई कॉल्ड माई मदर एंड शी सेड, बेटा शुक्र है अल्लाह का, इसमें कोई बेहतरी होगी। दिस वॉज हर एंड दिस इज माई फर्म बिलीफ जी, एंड आई हैव नो एम्बिशन राइट नाउ टू बिकम, आई थिंक वी मस्ट बींग ए पी टी आई मेम्बर, मैं अपनी बकाया जितनी सियासी जिंदगी है वो इमरान खान के साथ उनकी सरबराही में लगाऊंगा, और मैं समझता हूँ कि उनमें 3 सलाहियतें हैं जो बड़ी विजिबल हैं, एक वो बड़े करेजियस आदमी हैं, दलेर आदमी हैं, दूसरा वो हिम्मत कभी नहीं हारते, लगे रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, और तीसरा उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात बहुत थोड़ी हैं, उनको ना तो लग्जरी पसंद है उनकी, और ना उनको कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या हवाई जहाज पसंद है, उनकी ज़रूरियात बहुत। दैट्स वेरी ऑड गिवन, आपको जितना लोग समझते हैं या जानते हैं आपको एक लग्जरी लवर कहेंगे, एंड वाई नॉट, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज़ ये, जितने आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, खान साहब की भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो ये तो क्लैश होने वाली बातें हैं। मेरी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ये है कि आई एम वेरी टारगेट ओरिएंटेड, मुझे चाहे मेरा कारोबार है, चाहे मैं, मुझे सियासत में कोई जिम्मेवारी मिली है, तो आई विल रियली वर्क होल हार्टेडली। मेरी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग इस सेंस में नहीं है कि आई कैन नॉट गेट अलॉन्ग विद पीपल, आई मीन आई एम बेसिकली ए वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ ए पर्सन, आई कैन गेट अलॉन्ग विद एनी काइंड ऑफ पीपल। नहीं, मैं आपकी उसमें नेगेटिव बात नहीं कर रही, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इसका मतलब सिंपली ये भी हो सकता है कि आपके अपने बिलीव्स हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, शायद वो प्रिंसिपल्स और वो बिलीव्स किसी और के बिलीव्स और प्रिंसिपल्स से टकरा जाए। जी जी, देखिए बुनियादी बिलीफ है ना जी इमरान खान की कि पाकिस्तान में एक चेंज फॉर द बेटर लाना, तो वो मेरी बिलीफ भी है, उसमें मैं भी आई विल गिव माय 2 पेनीज वर्थ टू हिज थिंकिंग। ओके, मैं आपको देखें, ये भी एक बड़ा चेंज आया है, इमरान खान
इस मुल्क का जो ट्रेडिशनल सियासतदान था ना जी, इमरान खान उससे मुख्तलिफ हैं। इमरान खान एडसन कॉलेज के पढ़े हुए, पब्लिक स्कूलों के पढ़े हुए, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, इमरान खान के साथ अगर आप बैठें तो यू विल हैव हाफ अ डजन थिंग्स इन कॉमन टू टॉक अबाउट। ओके, सो दैट इज़ अ चेंज। वरना आमतौर पर आपको आप इज्जत एहतराम से तो पेश आएंगे, लेकिन ये आपको एक माजी में निहारी और इन सब चीजों की बातें होती होंगी। अदरवाइज दैट यू सेड, आई डिडंट से दैट। वेल, आई एम जस्ट आस्किंग यू रादर, आई नेवर सेड इट, इट्स अ क्वेश्चन। सो वेल, आई थिंक दैट पर्सनालिटी क्लैश, दैट्स मोर ऑफ अ मिथ। आई मीन, अच्छा, आई हैव नेवर हैड निहारी विद नवाज शरीफ जी। अच्छा, ले सी, आप ये द सीक्रेट इज आउट कि आपने कभी निहारी नहीं खाई विद बड़े मियां साहब। वेल, बट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑन दैट नोट। गिवन टाइम रिस्ट्रिक्टेड है, आप भी काफ़ी मसरूफ़ हैं, आपकी मीटिंग्स लाइंड अप है, आपने हल्के में जाना है, अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना है। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग योर द टाइम टू कम हियर। थैंक यू।